जेएनयू में 5 जनवरी को हुए हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस ने 9 लोगों की पहचान की है, जिनमें से की एक अक्षत अवस्थी है, जिन्होंने खुद को एबीवीपी का कार्यकर्ता बताया और कबूल करते हुए कहा कि जेएनयू में हुई हिंसा में वो भी शामिल था। अक्षत ने बताया कि हिंसा में 20 लोग बाहर के थे और 20 लोग जेएनयू के ही थे। अक्षत बीए फ्रेंच फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। अक्षत ने बताया कि पहले पेरियार में हमला किया गया था और जब लोग साबरमती हॉस्टल की तरफ भागे तो बाद में साबरमती हॉस्टल पर भी हमला किया गया। अक्षत ने इस बात को स्वीकारा और कहा कि हॉस्टल में उन्होंने कई लोगों के साथ मारपीट की। बाहर से हिंसा के लिए लोगों को जमा करने का काम अक्षत का था। अक्षत ने अपनी इस पूरी सिचुएशन को एक सेनापति की तरह हैंडल किया। तो वहीं एबीवीपी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी निधि त्रिपाठी ने अक्षत को लेकर अपना बयान देते हुए कहा कि अक्षत एबीवीपी की कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और एबीवीपी का बता देने से कोई एबीवीपी का हिस्सा नहीं बन जाता है। बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने कहा कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जेएनयू में हुई हिंसा में कैंपस की प्रॉपर्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचा, तो वही यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष आयशी घोष समेत कई छात्र घायल हो गए। रिपोर्ट गिवन बाय न्यूज़ 24, ऑल टाइम एक्टिव।